मूवी की। तो ट्रेलर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो बहुत उम्मीद आ रही है, ये मूवी जर्सी जो नानी की मूवी थी उसी तरह एपिक होगी। अब ऑनेस्टली बोलूं, क्रिकेट में मेरा उतना इंटरेस्ट है नहीं, और जितने भी क्रिकेट के ऊपर एमएस धोनी छोड़ दो या फिर जर्सी छोड़ दो, जितने भी बाकी मूवीज आई है मुझे कुछ इतना खास भी नहीं लगा। इनफैक्ट जर्सी देखोगे तो वो इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और नानी का परफॉर्मेंस उसकी वजह से मुझे वो पसंद आई थी। अब इस मूवी ने मुझे इसलिए उम्मीद दी कि ये वही है, एक अनदर इंस्पिरेशनल स्टोरी। राजकुमार राव जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, वो अपने बीवी के सपने पूरे करेगा, यानी उसमें वो अपने सपने देखेगा। और जितने भी ये क्रिकेट पर अगर मूवीज आई है देखोगे, सबसे ज्यादा फेमस है एमएस धोनी, जर्सी, और अभी रिसेंट ये मिस्टर एंड मिसेस माई जो आने वाली है। इनमें एक ही चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, इनमें क्रिकेट सेकंड फैक्टर है। पहले ये सारे मूवीज कैरेक्टर ड्रिवन है, इन सब में एक कैरेक्टर की जर्नी दिखाई जाती है। एमएस धोनी में धोनी की जर्नी, जर्सी में नानी के कैरेक्टर की जर्नी, और इसमें राजकुमार राव की जर्नी दिखाई जाएगी, उसके लाइफ के अप्स एंड डाउन दिखाए जाएंगे, उसके ब्रेकिंग मोमेंट्स जो उसे पूरी तरह से तोड़ देते हैं, उसके सपनों को तोड़ देते हैं, और इन सब से बाहर आकर फिर वो सपने देखने लगता है जब उसकी बीवी क्रिकेट खेलने जाती है। और नो डाउट डायरेक्टर की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने राजकुमार राव पर ही फोकस रखा है। देखोगे ट्रेलर इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जानवी कपूर ने कम ही डायलॉग बोले है और जानवी कपूर को कम ही दिखाया है। और मैं ये भी कहूंगा जहां पर भी प्रोड्यूसर करण जौहर होता है या फिर बोनी कपूर होता है, हम देखते हैं जानवी कपूर को ले ही लिया जाता है, और इसका इफेक्ट उन मूवीज पर पड़ता है, क्योंकि मानो या ना मानो जानवी कपूर को बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती, लिटरली दिखता है कोई डेडिकेशन देने को तैयार नहीं है, फिर भी एक के बाद एक चांस इतना प्रमोट किया जा रहा है मतलब। और सैड चीज है कि कितने डायरेक्टर का इन सब चीजों की वजह से काम खराब हुआ, उनके मूवीज के ऊपर इसका असर पड़ा। तो मैं वही चाहूंगा कि मूवी में भी जानवी कपूर को जितना कम दिखाया जाए वही अच्छा है, राजकुमार राव को ही दिखाया जाए और राजकुमार राव पर ही ज्यादा फोकस रखे, यही मैं चाहूंगा पर्सनली। क्योंकि राजकुमार राव ने अभी देखोगे ट्रेलर पूरा कैरी किया है और वही मूवी भी कैरी करेगी। और ऑनेस्टली बोलो अब मैं थक चुका हूँ मसाला मूवीज से, और मुझे खुशी हो रही है कि बॉलीवुड फिर से कम बैक कर रहा है, और खास करके राजकुमार राव। मतलब मुझे लगता है राजकुमार राव जी भी भटक चुके थे बीच में, वो कंटेंट छोड़कर ऐसे रोल करने में लगे हुए थे जो सो कॉल स्टार बनने के लिए जरूरी होते, लेकिन अभी वो फिर से ट्रैक पर आ चुके हैं। मतलब श्रीकांत बोला में जो उनका परफॉर्मेंस है और उसके बाद अभी ये, तो अच्छा लगा राजकुमार राव का कमबैक देखकर। बाकी आपकी क्या उम्मीद है इस मूवी से वो कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।